अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। अजीम भाई, आज डैम तोड़ा गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से बता दूं कि आज जो डैम मेरे पीछे देख रहे हो जो तोड़ा गया है, बहुत ही खुशी की बात है कि हमने इतनी न्यूज़ चलाने के बाद मुझे लगता है कि प्रशासन को शर्म आ गई। मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये होगा, लेकिन किसी के दबाव के बाद और हमने इतना दबाव दिया, कई हमने उनके ऊपर आरोप लगा दिए कि इसको क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा है, इसकी सोच क्यों नहीं रखी जा रही है। लेकिन आज जो मैंने देखा अचानक से, मैं तो सोया हुआ था, मैंने जब देखा कि एक लाइव चल रहा था और उसमें मैंने देखा कि जो खड्डा हुआ है, अभी आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो बच्चों की जान जानी थी वो बच चुकी है। देखिए, मरना जीना तो सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि जोर जबरदस्ती से बच्चे जो नादान होते हैं, जिसको नहीं पता होता कि ये डीप है कि गहराई है, जैसा कि आपने कल देखा होगा कि पहाड़ पे जो बच्चे हमारे अटक गए थे 5, उसको देखते हुए मुझे लगता है प्रशासन को थोड़ा सा आँख खुल गई। आँख बंद थी उनकी, लेकिन आँख खुल गई, बहुत अच्छी बात है। मेरा ये सवाल है कि कल के हादसे की वजह से हुआ या फिर इलेक्शन नजदीक आ रहा है उस वजह से हुआ? नहीं 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 नहीं, इलेक्शन का मुझे कोई जरा भी दोर जबरदस्ती नहीं लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये डैम को लेकर काफी सालों से ये चर्चे में रहा है, इसमें छोटे छोटे बच्चे की जाने जा रही है, लेकिन फिर भी किसी ने, देखिए हमारे अजय जी, हमारे शमीम खान जी, हमारे शाहरुख पठान जी और भी कई हमारे पार्टी के नेता लोग थे जिन्होंने कल वो हादसा देखा है, तो उन्होंने लगता है कि टीएमसी पे दबाव देने के बाद और हमारे कई न्यूज चलने के बाद उन्होंने लगता है कि आंख खोला है, नहीं तो वो अंधे थे मुझे लगता है। और बहुत अच्छी बात है आज जो इन्होंने इतना बड़ा काम किया, हम शुरू से इसके फॉलोअप में लगे हुए थे। आप पिछले सालों की कई न्यूज दिखा सकते हो आप कि हर फॉलोअप पे जहूर मखंडा जी जो यहाँ दरगाह के जो एक ट्रस्टी है वो भी बेचारे इस चीज को लेकर कई कई मीडिया में उन्होंने सवाल जवाब किया है और हर चीज के साथ में मिलजुल कर उन्होंने काम किया और आज ये काम हमारा जो है एक काम का जो हमको बहुत अच्छा रीजन मिला, बहुत अच्छी बात है।